हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं फायरबोल्ट कोबरा जो स्मार्ट वॉच है उसके कॉल सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें 5 स्टेप्स हैं और इसमें एक मेजर इशू भी है, तो वो भी मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, चैनल सही लगे तो सब्सक्राइब करेगा। चलिए वीडियो शुरू करें। पहला स्टेप जो आपको करना है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो एक्टिवेट करना है इनिशियल सेटअप के बाद। इसका जो इनिशियल सेटअप है मैंने अपना अनबॉक्सिंग वीडियो में ऑलरेडी बताया था। उसका जो ऐप है डैफिट, उसमें स्मार्ट वॉच जो सेटिंग्स के अंदर जाके नोटिफिकेशंस में इसका फोन को ऑन करके रखिएगा। ओनली नोटिफिकेशन ऑन करने से आपको बेनिफिट ये है कि आपको समझो आपको कॉल आ रहा है, जैसे इस तरह आ रहा है, कॉल तो अटेंड नहीं कर पाएंगे, बस आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा या फिर साइलेंस कर सकते हैं। और ये जो साइलेंस करेंगे आपको वॉच में ही होगा, आपको मोबाइल में सेपरेटली साइलेंट करना पड़ जाएगा। इसका एक और बेनिफिट है, मैं आगे बताऊंगा उसको। दूसरा जो स्टेप है, आपको अपना जो मोबाइल को सेपरेटली पेयर करना पड़ेगा, तो आप ब्लूटूथ के थ्रू उसको सेपरेटली पेयर करिए। और याद रखिएगा वॉच में भी इसका जो कॉलिंग ऑप्शन है उसको ऑन रखिएगा, अगर ये ऑन नहीं है तो पेयर नहीं होगा। अभी जब आपको कॉल आएगा तो आप कॉल अटेंड भी कर पाएंगे। तीसरा स्टेप जो है, आपके कॉन्टैक्ट ऐड करना है। 8 कॉन्टैक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली अपने वॉच से ये 8 कॉन्टैक्ट को डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, या फिर नंबर आपको याद रहे तो डायरेक्ट डायल करना पड़ जाएगा, लेकिन लिमिट क्या है 8 ही है। तो अब ये और भी काफ़ी सारे लोग जब आपको फ़ोन करेंगे, अगर नोटिफिकेशन आपने ऑन नहीं रखा है तो आपको खाली नंबर दिखेगा इस तरह। इसी के लिए मैंने कहा कि पहले नोटिफिकेशन में आप जाके ऑन करिएगा, तो आपको ये जो नंबर लिखने का इशू सॉल्व हो जाएगा। चौथा स्टेप पे आपको वाइब्रेशन या फिर आपको रिंगिंग भी सेट कर सकते हैं, तो आप उसके लिए वॉच के ऊपर में सेटिंग्स में जाइए, उसमें वाइब्रेशन और रिंगिंग ऑन करिए। उसके अंदर 2 ऑप्शन रहेगा, पहला जो वाइब्रेशन रिंगिंग, इसके अंदर गया तो आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, खाली वाइब्रेशन, वाइब्रेशन एंड रिंगिंग और ऑफ में रहना। तब अपने हिसाब से इसमें कौन सा चाहिए आप ऑन रखिए। सेकंड जो है वाइब्रेशन का, आपको स्ट्रेंथ कितना चाहिए, तो इसके लिए इस सेटिंग को आपको यूज़ करने के लिए याद रखिएगा आपका जो कॉल ऑप्शन ऑन रहना पड़ेगा, अगर ये ऑफ है तो ये सेटिंग को आप अंदर नहीं जा पाएंगे। लास्ट जो स्टेप है वो इन्फॉर्मेशन के लिए खाली, जैसे ये 3 है तो आपको यहाँ से डायल कर सकते हैं, आपको जो 8 कॉन्टैक्ट यहाँ देख सकते हैं। लास्ट कॉल डिटेल्स जो है वो आपके फ़ोन के अंदर का जो है इसमें सेव नहीं होगा, तो जो वॉच में जो कॉल सारा वही खाली इसमें दिखाएगा, तो ध्यान रखिएगा वो। और आखिरी इसके इशू में आते हैं। इशू ये है, जब भी ये वॉच अपने फ़ोन के साथ पेयर हो जाता है तो हमारा जो मीडिया है, तब जो हम यूट्यूब चला रहे हैं, तो वॉच में बजना चालू हो जाता है। जैसे एग्जांपल ऐसे ये ले लीजिए, अभी आप देख रहे होंगे वॉच में बज रहा है। तो इसको बाईपास करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन के सेटिंग्स में इस वॉच के सेटिंग के अंदर में आपको एक ऑप्शन आता है मीडिया आउटपुट ऑफ करने का। तो मीडिया आउटपुट ऑफ करते ही आपका जो वॉच है ओनली कॉल के लिए काम करेगा, मीडिया के लिए काम नहीं करेगा। लेकिन फायरबोल्ट कोबरा में ये एक इशू है, क्योंकि मैं जैसे ही मीडिया आउटपुट बंद करूंगा तो फोन पेयरिंग भी बंद हो जाएगा। इसे आप देख लीजिए, मैंने काफ़ी कुछ स्टेप्स ट्राई किए लेकिन इसको मैं अवॉइड नहीं कर पा रहा हूँ, ये शायद सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है। मेरे पास फायरबोल्ट की और एक वॉच है जिसको मैं अभी रिव्यू कर रहा हूँ, फायरबोल्ट इनविंसिबल प्लस, उसमें भी जब मैं पेयर कर रहा हूँ तो ऐसा आवाज़ आ रहा है, लेकिन मीडिया आउटपुट बंद करते ही वो उस वॉच के केस में ये रिजॉल्व हो जा रहा है, लेकिन अभी ये फायरबोल्ट कोबरा में इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा। उम्मीद करता हूँ फायरबोल्ट वाले इस इशू को जल्दी रिजॉल्व करेंगे थ्रू सॉफ्टवेयर अपडेट, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कमेंट भी कर चुके हैं इसके बारे में कि आपको कुछ जानना है या फिर आपको कुछ ओपिनियन है तो कमेंट करेगा, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स एंड गुड बाय।